टाइम जाता है, हम ज़्यादा टाइम हम सोचने में ही लगा देते हैं कि हम कहाँ इसको स्पेंड करें, क्या करें अपनी लाइफ में। ये हम सोचने पर ही स्टॉप कैसे लगाएं, मतलब इसमें फुल स्टॉप कैसे लगाएं? मतलब आप ये कह रहे हो कि हम सोचते रहते हैं, और आई एम श्योर ये सभी की प्रॉब्लम होगी, सोचते ज़्यादा है करते कम है, और सोचते सोचते उस सोच में खुद ही उलझ जाते हैं, ऑप्शंस आ जाते हैं ना सोचते सोचते, ये करूं अभी करूं कल करूं परसों करूं व्हाटएवर इट इज। मतलब सोच का पूरा एक नेटवर्क है, जो हमारे थॉट्स हैं ना, अगर उनको आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे उसका एक सेंटर पॉइंट होता है, वो होता है कोई डिज़ायर, वहाँ से थॉट्स निकलने शुरू होते हैं, और एक ब्रांच निकलती है पहले, फिर उसमें से एक और ब्रांच, एक और ब्रांच, एक और ब्रांच, एक और ब्रांच। अगर आपका माइंड बिल्कुल पीसफुल है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो। अगर आप अभी भी थोड़ी सी अटेंशन दो तो जैसे ही आप बैठे हो, कुछ थॉट चल रहे हैं माइंड में, इमीडिएटली बोलो पॉज, बोलो रिवाइंड, देखो वहां तक पहुंचे कैसे। हो सकता है किसी के बारे में आप कुछ सोच रहे थे, अब ध्यान से समझने की कोशिश करो वो लिंक कहां बन रहा है। अगर इस लिंक को आप धीरे धीरे करके समझ पाओ कि ये थॉट यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया, तो इन थॉट्स की जो डायरेक्शन है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो, नहीं तो ये आउट ऑफ कंट्रोल है, कहीं के कहीं निकलोगे। होता है ना ऐसा कि हम फेसबुक के ऊपर किसी की फोटोग्राफ देखी, उसकी ड्रेस अच्छी लगी, एकदम से माइंड में आया अरे ये ड्रेस तो दीपिका पादुकोण ने उस वाली मूवी में पहनी थी, और फिर एकदम से आया माइंड में कि हाँ मेरे घर में वो वाली शादी आ रही है, उसके लिए मुझे ड्रेस बनवानी है, लेकिन ये ड्रेस तो मैं बनवा लूंगी, लेकिन पता नहीं मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, है ना, क्योंकि ड्रेस शायद हमारे कल्चर के साथ में फिट नहीं होगी, चलो इसमें एक ऑल्टरेशन कराती हूँ, अभी बनवाऊँ कहाँ से और कितने की आएगी, वो पैसे कहाँ से आएंगे, तो पैसे से आप फिर कहीं और निकल गए, अच्छा पापा को पटाना पड़ेगा, है ना, मम्मी से बात करनी पड़ेगी, पापा को कैसे पटाऊँ, पापा का तो आजकल मूड ठीक नहीं है, पापा का तो ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो कह रहे थे कि उनकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। होता है ना ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं कि शायद मेरी नौकरी जाने वाली है, बेटा अब तुम कुछ कर लो, अब मैं अपने करियर के बारे में सोचूं। देखो कहाँ से आए थे आप शुरू हुए थे एक ड्रेस से, फेसबुक से, और पहुंच गए अपने करियर के ऊपर, तो हो क्या रहा है, ये सब अनकॉन्शियसली हो रहा है, आपको पता नहीं लग रहा है लेकिन होता जा रहा है। सोचो अगर आपको पता लगने लग जाए, इफ यू नो दैट कि मैं यहां से शुरू हुई थी और यहां गई, और इमीडिएटली आप कहीं पर भी पॉज करो, और पॉज करके इमीडिएटली अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, तो आपकी पूरी थॉट प्रोसेस जीरो हो जाएगी। क्या क्वेश्चन पूछना है कि मेरे लिए इस टाइम पे, कल नहीं, परसों नहीं, एक साल बाद नहीं, दस साल बाद नहीं, इस टाइम पे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। माइंड में बड़ा खचड़ बचड़ मचा हुआ है, जो मचा ही रहता है, होता है ना, माइंड में कुछ भी चलता रहता है, किसी ने हमको जरा सा कुछ बोल दिया उसी के बारे में दो दिन तक सोचे जा रहे हैं, ऐसे क्यों बोला, होता है ना, घर वालों ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया, सब कुछ सही चल रहा था, एकदम से कुछ बोला, उसके बाद में मन करता है छोड़ो घर को, सब बेकार है। जिस वक्त कोई गड़बड़ होती है हमारे माइंड में, इतना कुछ आ जाता है एकदम से कि हमको समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें, तो उस वक्त क्या करना है, इमीडिएटली अपने आप को रोको, बोलो पॉज, रुको, ठीक है, पॉज बोला मतलब किसको बोला, अपने माइंड को बोला, आप अपने माइंड से ज्यादा पावरफुल हो, पहले तो इस बात को समझ लो। अगर कोई आपको आकर के कहता है ना कि आपका माइंड आपसे ज्यादा पावरफुल है, वो बेवकूफ है, उसको पता ही नहीं है कि आप कौन हो, आप में आपके माइंड से लाख गुना ज्यादा पावर, माइंड को आप ही यूज करते हो ना, अभी अननोइंगली यूज कर रहे हो, अपनी आदतों के अकॉर्डिंग कर रहे हो, बट अगर नोइंगली करने लग जाओ तो कमाल का वेपन है, इसको आप कैसे भी यूज कर सकते हो, कैसी भी डायरेक्शन दे सकते हो, माइंड को बोल सकते हो मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, माइंड मानेगा, आपका माइंड है, आप माइंड के थोड़ी हो, सिंपल है ना, हाँ माइंड आपके लिए है, आप माइंड के लिए नहीं हो, तो माइंड को बोलो पॉज, और इमीडिएटली अपने आप से क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन किल्स योर थॉट प्रोसेस, आ गया ना, क्वेश्चन, राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन इमीडिएटली किल्स योर थॉट प्रोसेस। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अभी आप सब अवेयर हो, क्या हुआ, जो भी थॉट प्रोसेसेस चल रही थी, अगर चल रही थी तो सब खत्म, हो सकता है आप में से कोई मेरी शर्ट के बारे में सोच रहा होगा, ये क्या 7 नंबर क्यों लिखा हुआ है, कोई कुछ सोच रहा होगा, कोई कुछ सोच रहा होगा, कोई अपनी लाइफ की सिचुएशंस के बारे में सोच रहा होगा, बोल रहा था मैं आपसे, आप सोच रहे थे कुछ और ही, अपने आप से रिलेट कर रहे थे, एकदम से सब गायब हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, आर यू अवेयर, क्या आप जागे हुए हो, कहाँ गए थॉट्स, माइंड जीरो हो गया, सिंपल हो गया ना। तो ऐसे ही आपने एक सही तरह का क्वेश्चन पूछा, आपने सही टाइम पे, ऐसे माइंड में खचड़ पचड़ हो रहा है, ठीक है घर में प्रॉब्लम है, किसके घर में नहीं है, ठीक है ना, लाइटली लिया,
प्रॉब्लम हुई, इमीडिएटली अपने आपसे क्वेश्चन पूछा इस मोमेंट में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अभी, तो आपको इमीडिएटली जवाब मिलेगा, वो कुछ भी हो सकता है, कि अभी इस मोमेंट में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम का टाइम चल रहा है पढ़ना, मिल गया ना जवाब, एग्जाम में 2 महीने रह गए हैं, अभी तो मेरे लिए पढ़ना जरूरी है, अभी और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब क्या किया, बार बार अपने आप को बोलना शुरू कर दिया, पढ़ा पढ़ा पढ़ा, पढ़ो 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 पढ़ो। अब आप ये किसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, अपने माइंड को। क्लियर हो गया ना, अपनी थॉट प्रोसेस जो बिखरी हुई है, सब तरफ बिखरी पड़ी है, उसको एक डायरेक्शन दे रहे हो। माइंड कभी कह रहा है ये देखो वो देखो, उससे बात करो, ये करो वो करो, वो भी देखो, छोड़ो सो जाते हैं, एक दो लगा लेते हैं, चल सुट्टा मार के आते हैं, वट एवर इट इज, माइंड तो कहीं का कहीं जा रहा है ना। आप माइंड को बार बार क्या बोल रहे हो, पढ़ 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 पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इस टाइम पे पढ़ना, इस टाइम पे पढ़ना, इस टाइम पे पढ़ना, 2 महीने रह गए, पढ़ पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे, और क्या करोगे इस मोमेंट में, तो और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, सिर्फ 1 महीना रहेगी एग्जाम में, इस टाइम पे और क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होगा नहीं होगा ये इंपॉर्टेंट है, वो आपके हाथ में है, वो आपके पढ़ने के हाथ में है, ठीक है ना। आपके सोचने से क्या होगा, सोचते रहो बैठे बैठे, मेरा हो गया तो मैं ये करूंगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने, नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, क्या है ये, दोनों ही चीजें कॉमेडी है, इसको लाइटली लो। इंपॉर्टेंट क्या है इस मूवमेंट में मेरे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ना पढ़ो। सुबह सुबह उठे, अगले दिन एक दिन पहले रात को घर में कोई तमाशा हो गया, पापा मम्मी की लड़ाई हो गई, नॉर्मल है, हर घर में होती है, या आपको अच्छे से किसी ने सुना दिया, या आपने अपनी फोटो डाली फेसबुक के ऊपर, उसमें कोई लाइक नहीं आया उन लोगों ने भी लाइक नहीं किया जिनकी फोटो आप पिछले 2 साल से लाइक कर रहे हैं, बेकार बेकार उनके कुत्ते की फोटो भी लाइक कर रहे हैं, उन्होंने आपकी फोटो भी लाइक नहीं करी, मतलब आपकी सेल्फी उनके कुत्ते की सेल्फी से भी कहीं गुजरी है, समझ रहे हो। तो ऐसे ऐसे थॉट माइंड में चल रहे हैं, यार ये कितना घटिया इंसान है। तो सुबह उठे, यही थॉट माइंड में चल रहा है, इस थॉट प्रोसेस को किल करना है, क्या पूछा अपने आप से, इस मोमेंट में अभी, 1 घंटे बाद नहीं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। सुबह का टाइम है, कभी भूल जाओ तो एक चार्ट लिख करके लगा दो कि मेरे दिन का ये शेड्यूल है, इसको टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। अगर कंफ्यूजन हो, जब थॉट्स में ज्यादा ही खो जाओ, तो अपने आप से सवाल पूछा, इस मोमेंट में मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हम भूल भी जाते हैं, तो इमीडिएटली अपने उस चार्ट को देखो, उसमें लिखा होगा ये टाइम है सुबह 7 बजे से 8 बजे का, यानी कि एक्सरसाइज। ऐसे ही हर चीज में आपको क्लियर होना चाहिए, जिस टाइम पे खा रहे हो, खाना खा रहे हो, ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, सब करते हैं, उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। आपका ध्यान टीवी में होना चाहिए, आपका ध्यान कुछ सोचने में होना चाहिए, खाने में होना चाहिए, ऐसा होता है नहीं होता, कभी नहीं होता। कहाँ होता है ध्यान, कहीं और ही होता है, खा रहे होते हैं, ध्यान कहीं और होता है। तो उस टाइम पे क्या करना है, जैसे ही आपको याद आए मेरी ये बात, या आपको इमीडिएटली याद आए कि ध्यान कहीं और ही है, इमीडिएटली बोला बॉस इस मोमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, खाना, अपना ध्यान खाने में लाए। उससे क्या होगा, जैसे ही आप ध्यान से खाना खाते हो, इसके पीछे एक पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है, तो खाने को देख करके, खाने को फील करके, मतलब कि उसको सूंघ करके, आपके मुंह में सलाइवा आ जाता है, आपकी बॉडी जो है, आपका जो स्टमक है, वो कुछ तरह के एसिड्स रिलीज करने लग जाते हैं, जो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, सलाइवा नहीं बनेगा, पेट में वो एसिड्स नहीं बनेंगे जो कि उस खाने को बर्न करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए जरूरी है, तो क्या होगा, वो खाना अनडाइजेस्टेड रह जाएगा, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। उससे क्या होगा, आपको पता है अगले दिन क्या होता है उससे, हाँ कुछ अटक जाएगा मामला, और वो अटकते ही माइंड की क्या हालत होती है, अंदर से बुरी फीलिंग्स होने लग जाती हैं, सारा ध्यान वहां चला जाता है, तो पढ़ोगे कैसे उस दिन, लगाओ दिमाग, आपका प्लान है 8 घंटे पढ़ने का, लेकिन पढ़ाई तो गई तेल लेने, क्योंकि सुबह काम ढंग से नहीं हुआ, होता है या नहीं होता है, होता है। खाने में आपका ध्यान नहीं है, इमोशनल ईटिंग कर रहे हो, क्या खा रहे हो, आपने सोचा था मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, लेकिन खाए चले जा रहे हो जंक फूड, विच विल लीड टू ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ये बातें सुनने में थोड़ी बूढ़ों वाली तो नहीं लगती, आप सब तो जंक फूड खाते रहते होगे सुबह से रात तक, और मैं क्या बातें कर रहा हूँ, जंक फूड,
बुरा है,